और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस के नेता हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजेगी, यह भी साफ हो रहा है। राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम समाजवादी पार्टी ने तय कर लिए। जावेद अली को भी राज्यसभा भेजा जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं और चौंकाने वाला नाम जो है वो कपिल सिब्बल का है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, G23 कांग्रेस के नेताओं की वो सूची जो लगातार पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रही थी, उसी में कपिल सिब्बल भी, और अब समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं कपिल सिब्बल। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस में जो कई सालों तक रहे पार्टी के सीनियर नेता G23 के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य और मनमोहन सरकार में जो कैबिनेट मंत्री थे कपिल सिब्बल, वो इस बार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद होंगे। थोड़ी देर में वो पहुंच गए हैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर, अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो रही है। और आपको बताऊं कि आखिर क्यों कपिल सिब्बल कांग्रेस के बदले इस बार साइकिल की सवारी करके राज्यसभा पहुंच रहे हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी और मजबूत कड़ी जो है वो आजम खान है। आप जानते हैं कि आजम खान जो 27 महीनों बाद जेल से छूटे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस की पैरवी आजम खान के लिए कपिल सिब्बल ही कर रहे थे। कपिल सिब्बल चाह रहे थे कि महाराष्ट्र से उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल जाए कांग्रेस की तरफ से, ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। उसके बाद अखिलेश यादव से उनसे पहले ही दिल्ली में बात और मुलाकात हो गई थी, आजम खान भी यही चाह रहे थे। और अखिलेश यादव को भी लगा कि कपिल सिब्बल जैसा एक बड़ा वकील उनके पास आ जाता है तो ताकत बढ़ेगी, और इसीलिए कपिल सिब्बल जो है राज्यसभा जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये तय हो गया है। ये जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है अभी कि भाई कपिल सिब्बल जो है, मत भूलिए, वो आजम खान के लिए लगातार पैरवी कर रहे थे और आजम खान को आखिरकार लंबा वक्त, करीब 2 साल के आसपास का वक्त सलाखों के पीछे रहने के बाद जो जमानत मिल पाई उसमें कपिल सिब्बल की बतौर वकील अहम भूमिका मानी गई। तो क्या कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने के पीछे समाजवादी पार्टी का जो जुगत है वो अखिलेश यादव और आजम खान के बीच जो दूरियों का जिक्र किया जा रहा था उसको भी पाटने की कड़ी के तौर पर देखा जाएगा पंकज? बिल्कुल रोमाना, इसको आप यूं समझिए कि एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक तीर से दो निशाने, तो अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं, आजम खान को भी मना लिया है और कपिल सिब्बल जैसा एक मजबूत कानूनी सलाहकार भी उनको मिल गया जो आने वाले वक्त में उनके लिए काम आएगा। आजम खान यही चाहते थे और इसीलिए देखिए आजम खान खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहे थे, वो गोल मटोल चीजें बातें घुमा घुमा कर कह रहे थे। उन्हें इस बात की उम्मीद थी और उन्हें इस बात का भरोसा था कि उनकी बात मान ली जाएगी और ऐसा ही हुआ। कपिल सिब्बल जा रहे हैं राज्यसभा सांसद बन रहे समाजवादी पार्टी से। और इसके अलावा दो और नामों का जिक्र करना चाहूंगा रोमाना, जावेद अली खान जो पहले भी राज्यसभा के सांसद थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो दूसरे उम्मीदवार हो सकते हैं, ऑलमोस्ट ये नाम कंफर्म हो चुका है। और इनके लिए आपको बताऊं कि जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं जो अखिलेश यादव के चाचा है, वो इनकी लगातार पैरवी कर रहे थे। तीसरा एक नाम बहुत सारे लोग थे दावेदार, इसीलिए ये हो रहा है कि इतने सारे नामों पर कैसे विचार किया जाए, तो कंप्रोमाइज फॉर्मूला में ये चल रहा है कि डिंपल यादव को भी इस बार राज्यसभा भेज दिया जाए, क्योंकि ये 3 नाम समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। जयंत चौधरी जो RLD के अध्यक्ष हैं वो भी चाहते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 3 नाम जो तय हो रहे हैं वो है डिंपल यादव, कपिल सिब्बल और जावेद अली खान। सबसे चौंकाने वाला नाम है कपिल सिब्बल का रोमाना। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा इस बड़े अपडेट के लिए। तो कपिल सिब्बल राज्यसभा जाएंगे, समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं कपिल सिब्बल कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मतलब कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ, और समाजवादी पार्टी सीधे कपिल सिब्बल को भेज रही है राज्यसभा। और आइए पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।